वो जो देश की पुलिस पर मैं खाकी हूँ कविता लिखी गई थी, उसे हो सके तो किसी कागज पर लिख कर आग लगा दीजिए, क्योंकि लखनऊ में पुलिस वालों ने इस बार ऐसी निशंसता कर डाली है जिस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को देख कर शर्म की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे सिक्योर इलाकों में रेप की एक घटना हो और वहाँ पर पुलिस ये बताती रहे कि ये मामला मेरे थाने का नहीं है, तो सोचिए कि पुलिस की सोच आखिर कहाँ पहुँच गई है। राजधानी लखनऊ के जिस गोमती नगर इलाके में करोड़ दो करोड़ रुपए बिसवा जमीन मिलती है, जिस इलाके में मंत्रियों के घर हैं, कई पुलिस अधिकारियों के आवास हैं, रिटायर कर्मचारियों के आवास हैं, वहाँ एक 18 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, 3 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की जाती है, बीच सड़क पर फेंका जाता है और पुलिस वाले ये कहते हैं कि मामला हमारे इलाके का नहीं है, जाने दीजिए, फला थाने में जाइए, मेडिकल करा लीजिए, सरकार तो बुलडोजर चलाती ही है। तो भाई मामला सुनिए कि हुआ क्या। 18 साल की एक बेटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अपने घर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकली। शाम करीब 4:30 बजे जब वो अपने घर वापस जाने के लिए लौटी तो चौराहे पर एक ऑटो वाला उसे मिला जिससे घर वापस जाना था। ऑटो में चालक के अलावा एक और युवक था। छात्रा का कहना है कि ऑटो चालक ने उसका ऑटो शहीद पथ की ओर मोड़ दिया। जब उसने टोका तो ऑटो चालक ने कहा कि वो सवारी बैठाने के लिए यहाँ जा रहा है। इसी बीच गाड़ी में बैठे दूसरे शख्स ने छात्रा का मुंह दबा दिया और उससे जबरदस्ती करने लगा। छात्रा इसका विरोध करने लगी तो इस युवक ने छात्रा के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया। छात्रा बेसुध हो गई और इसके बाद शहीद पथ के फिनिक्स पलोसियो मॉल के पीछे जंगली इलाके में ले जाकर उससे दरिंदगी की गई। करीब 3 घंटे तक इस छात्रा के साथ हैवानियत हुई और इसके बाद लखनऊ के सबसे पॉश हुसैडिया चौराहे पर इस छात्रा को लाकर फेंक दिया गया। बेसुध और खून से लथपथ छात्रा को देखकर लखनऊ के हर शख्स का मन पसीज गया। सबको लगा कि हे ईश्वर, इस बच्ची के साथ क्या हो गया है। आम आदमी की संवेदनाएं टूट गईं। लखनऊ में जहां बुलडोजर का खौफ दिखाकर ताली पीटी जाती है, वहां पर एक बच्ची के साथ जो हुआ वो शर्मनाक था पूरी सरकार के लिए। ये बताने के लिए कि तुम्हारी फाइलों में जो मौसम गुलाबी है उसके आंकड़े झूठे हैं किताबी। पुलिस की लापरवाही का आलम यह था कि छात्रा के गैंग रेप पीड़िता होने के बावजूद उसके साथ सीमा विवाद का खेल खेला जाता रहा। जिस हुसैडिया चौराहे से विभूति खंड का थाना कुछ मीटर दूर है, उसे वहां ना भेजकर सुशांत गोल्फ सिटी भेज दिया गया। एक गैंग रेप पीड़िता के साथ पुलिस वालों की गुंडई का आलम देखिए। लखनऊ के पुलिस वालों ने कई घंटे तक FIR सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं की क्योंकि मामला उनके थाने का नहीं है। आप अगर बड़े आदमी ना हो तो आपकी FIR भी ऐसे ही दर्ज नहीं होती। किसी तरह सुबह के वक्त विभूति खंड थाने में पहुंचकर तहरीर दी गई, लेकिन मेडिकल कराने में घंटों लग गए। लेकिन जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लखनऊ के IPS अधिकारियों की कोठियों में शोर मचने लगा। लखनऊ के थानों में वायरलेस से मैसेज पहुंचा, तालियां पीटी जाने लगी, मैं खाकी हूं की कविता पढ़ी जाने लगी और उसके बाद विभूति खंड थाने पहुंचकर परिवार के लोगों से बातचीत की गई। FIR के बाद जांच तब शुरू हुई। सोमवार की दोपहर तक पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है, लेकिन दूसरे की तलाश की जा रही है। टेम्पो देखिए, विभूति खंड थाने में खड़ा है। इसी टेम्पो से ले जाकर छात्रा के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन वो पुलिस वाले कहाँ हैं जिन्होंने छात्रा को फंसाए रखा? वो लोग कहाँ हैं जो लखनऊ शहर में बेटियों के संरक्षा की बात कहते थे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ ये गैंगरेप कांड पूरी सरकार पर, सरकार के बुलडोजर पर, सरकार की होल्डिंग्स पर और सरकार की पूरी नीयत पर सवाल खड़ा करता है। अगर हमारी बेटियां लखनऊ में सुरक्षित नहीं है तो सोचिए देवरिया, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजी और चंदौली में कहां से होंगी? अगर लखनऊ में ऐसा हो रहा है तो सोचिए कानून व्यवस्था कहां पर है और थानों के पुलिस वाले कहां पर हैं? वही पुलिस वाले जिनके लिए कविता लिखी जाती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।